था जिन्होंने अपनी खुली आंखों से सरकार का ये मौजजा देखा। अब पढ़ो आला हजरत अजीम बरकत का शेर, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, और मेरे चश्मे उससे छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह बात चल रही थी आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर आंसू गिरने के प्यारे दरे रसूल पर जो रोया नजात का परवाना उसे मिला, नबी की मोहब्बत में जो आंसू बहाया नजात का परवाना उसे मिला। आओ जरा सहाबा और सहाबियात की मुकद्दस जिंदगी पर पढ़ो और देखो वो सरकार की बारगाह में किस तौर पर हाजिर हुआ करते थे। आज अगर हमसे और आपसे कोई खता हो जाती है तो हम बजाय खता पर माफी मांगने के रब की बारगाह में गुनाह पर ढिठाई करते रहते हैं, गुनाह करके हंसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों की जिंदगी देखो, सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए हैं आका की बारगाह में, तब तक एक खातून हाजिर आ जाती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह में हलाक हो गई, या रसूल अल्लाह में तबाह हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हाल है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह में हलाक हो गई, सरकार मुझे पाक फरमा दीजिए, मुझसे जना हो गया है, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा पाप हो गया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निगाहें नबुवत फेर लेते हैं, दूसरे तरफ से वो खड़ी होकर के अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं सही कह रही हूँ, या रसूल अल्लाह मैं इकबाली मुजरिमा हूँ, सरकार मुझे आप पाक फरमा दें। जरा उनका जहन फिक्र मुलाहजा फरमाइए, उनके जहन फिक्र में ये बात आ गई है कि जना पर सजा है, उस सजा को हम दुनिया ही में सह लें, आखिरत में हम ना सहें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुर्मों को भी बयान फरमा दिया है और उन जुर्मों पर शरई सजाएं जो है उसे भी सरकार ने बयान फरमा दिया है। चोरी करोगे तो शरई सजा ये है, जिना करोगे तो सजा ये है, मां बाप को सताओगे तो सजा ये है, हुकूक की पामाली करोगे तो सजा ये है, ना हक कत्ल गारत गरी करोगे तो सजा ये है, निगाहों का तकद्दस बर्बाद करोगे तो सजा ये है, झूठ बोलोगे तो सजा ये है, शराब पियोगे तो सजा ये है। जराइमों को सरकार ने बयान फरमाया और जुर्मों पर जो सजाएं मुतय्यन की गई हैं उन सजाओं को भी सरकार ने बयान फरमा दिया। सरकार की मुकद्दस सबान फैज़ तर्जमान से जब सजाओं को सहाबा सुनते हैं तो उनके जिस्म हिल जाते हैं, उनकी आंखें रोने लगती हैं, उनकी चीख बुलंद हो जाती है। अगर किसी से कोई लफ्जिश हो जाती है तो नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अपने लफ्जिश की सजा के खासगार होते हैं, या रसूल अल्लाह ये लफ्जिश मुझसे हुई है, या रसूल अल्लाह ये चूक मुझसे हो गई है, या रसूल अल्लाह इस्लामी सजा जो इस पर हमें सहने के लिए तैयार हो। इसी तौर पर वो औरत सरकार के बारगाह में हाजिर हो रही है और अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गई हूं, सरकार में तबाह बर्बाद हो गई, मुझे पाक फरमा दें, या रसूल अल्लाह मुझे इस्लामी सजा दे जो जना पर मुझसे जना हो गया है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं देखो ये दीवानी नहीं हो गई है। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूं, दीवानी नहीं हो। सरकार ने फरमाया देखो इसने शराब तो नहीं पी ली है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूं, मेरे सरकार मैं इकबाली मुजरिमा हूं, मुझे आप पाक फरमा दें, सजा दिला दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया औरत उम्मीद से है, औरत को हमल है, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं खातून जा तू वापस चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। आप नबी का इख्तियार मुलाहजा फरमाइए, अपने सरकार का करम मुलाहजा फरमाइए। अगर मां को उसी वक्त सजा दे दी जाती तो मां के पेट में रहने वाला बच्चा भी हलाक हो जाता। हजरत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला अजीजी के पास कोई आ जाए, मौलाना रियाज के पास कोई आ जाए, नाजिम जलसा के पास कोई आ जाए और कह दे कि मैंने अभी अभी शराब पी है मौलाना, मैं तौबा करना चाहता हूं, आप कह दें कि सुबह आना तौबा करने के लिए, तो खुद इन पर तौबा लाजिम हो जाएगी। आप जरा मसले की नौइयत समझते हुए चलिए, औरत हाजिर है बारगाह इस हालत में, या रसूल अल्लाह मुझे सजा इस्लामी दिला दे, आका सजा को मुअख्खर फरमा रहे हैं, औरत तू चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। अपने नबी का इख्तियार भी मुलाहजा फरमाओ, रसूलुल्लाह जब जिसे चाहे सजा दे दें, रसूलुल्लाह जब जिसकी सजा को चाहे मुअख्खर फरमा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب واپس آنا. آپ نتیجہ ذرا نکالیے، سرکار ایسے ماحول کے بچے کی حفاظت ماں کے شکم میں کر رہے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے شکم کے بچوں کو حضوضا کرایا کرتے ہیں، حمل ضائع کرایا کرتے ہیں، اس قاطع حمل کا پروگرام بنایا جاتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ عبرت حاصل کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ماحول کے بچے کی حفاظت ماں کے پیٹ میں کر رہے ہیں. میرے سرکار اگر اسی وقت ماں کو سزا دے دیتے تو بچہ بھی مر جاتا، مگر رسول اللہ کو بچوں سے کتنا پیار ہے، نبی کونین کو کتنی محبت ہے. جرم ماں نے کیا ہے، سزا ماں سہے گی، بچے کی کوئی خطا نہیں ہے. اے ماں کے پیٹوں سے بچوں کو ضائع کرنے والا، تم یہ شکایتیں کیا کرتے ہو کہ اگر آبادی کثرت سے ہو جائے گی تو زمین پوری نہیں پڑے گی، روزی پوری نہیں پڑے گی، مکان و دکان کہاں سے لائے جائیں گے؟ نادان رب پیدا فرمانے والا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں، ہم انہیں بھی روزی دے رہے ہیں. رزاق تو پروردگار عالم ہے، روزی دینے والا وہ ہے. زمین کی پیمائش پر آپ روزی کا انحصار کر رہے ہیں، مکان و دکان کا انحصار آپ زمین ناپنے پر کر رہے ہیں، آپ ٹھیکے دار نہیں ہیں. رب نے اپنے ذمہ کرم پر روزی لے لیا ہے. رب فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی رب کے ذمہ کرم پر ہے. اس لیے مفلسی کے ڈر سے اپنے اولادوں کو قتل مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاتون تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب واپس آنا. وہ واپس چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر آئیں، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی رحم و کرم ذرا ملاحظہ کرو. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، سرکار کو کس طرح پیار ہے بچوں سے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتون تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب آنا. میرے سرکار اس وقت کسی اور عورت کو دودھ پینے پر متعین فرما سکتے تھے اور عورت کو سزا دے دی جاتی، لیکن میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں نہیں خاتون تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب واپس آنا. میرے آقا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس بچے کے ماں کو سزا دے دی جائے اور دودھ پینے والا بچہ اپنے ماں کے سینے کے دودھ سے محروم ہو جائے. او عورتیں عبرت حاصل کریں جو فیشن کی بنیاد پر اپنے سینے کے دودھ سے بچوں کو محروم رکھا کرتی ہیں، انہیں رسول اللہ کی مقدس زندگی دیکھنی چاہیے. رسول اللہ نے بچوں کو ماں کا پیار کس طرح سے دیا ہے؟ میرے آقا کو یہ منظور نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ماں کے سینے کے دودھ سے محروم رہے. آقا فرماتے ہیں عورت تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب آنا. وہ عورت واپس چلی گئی، دودھ پلانے کی مدت مکمل 2 سال ہے اولین کاملین. اب جب دودھ پلانے کی مدت کو پوری کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئیں تو اب کی ذرا انداز ملاحظہ فرمائیے خاتون کے آنے کا. وہ جب اب کی بار سرکار کی بارگاہ میں آئیں تو روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیا. وہ سوچ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے سرکار پھر میری سزا کو تاخیر کر دیں، مؤخر کر دیں. تو اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا. اب عرض گزار ہوتی ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. آقا فرماتے تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ میرا بچہ، یہ ملاحظہ فرمائیے، اپنے ہاتھ میں لے کر کے روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. اللہ کے رسول کی نگاہ میں نبوت پڑتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عورت کے سرپرست کہاں ہیں؟ ذمہ دار حاضر آ گئے. آقا نے فرمایا عورت کے کپڑے جسم سے مضبوطی سے باندھ دو. سرکار نے سزا لاگو فرما دی، اور جب عورت کو سزا دی جانے لگی تو وہ چیخ پڑی. اس نے کہا مارنے والوں مجھے چھوڑ دو، مجھے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لے چلو. مگر اب سزا لاگو ہو گئی ہے، مار مار کر عورت کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. جب مدینہ شریف کے لوگ آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب ہم سب عورت کو مار رہے تھے اور پہلی مار اس کے اوپر پڑی ہے تو اس نے آپ کو پکارا، تو میرے آقا کا رحم دیکھو. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب اس نے مجھے پکارا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، جیسے
उसके ऊपर पहली मार पड़ी है तो उसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि मदीना के सारे गुनहगारों के लिए उसकी तौबा काफी हो गई। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। बरस नहीं देख कर अब्र रहमत और बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले बरसाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना और कहां तूने देखे चादरान वाले अल्लाह अल्लाह। जरा आला हजरत अजीमुल बरकत के शेर को मुलाहजा करो। मेरे आका आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं ए लोगो तुम्हारा दुश्मन नफ्स है। नफ्स के चक्कर में ना आना, नफ्स के इख्तियार में ना आना, नफ्स के बहकाए में ना आना। नफ्स तो प्यारे ऐसा बहकावा देता है, ऐसा बहकावा देता है कि जिंदगी के सारे तकद्दस को आने वाहिद में मलिया मेट कर देता है। ये नफ्स इतना बड़ा शरीर है प्यारे, इसी नफ्स पर तो हमारे बुजुर्गों ने कंट्रोल किया है और इसी नफ्स पर तो कंट्रोल करने का पैगाम दिया है। जरा नफ्स पर कंट्रोल का मामला मुलाहजा फरमाइए और देखिए। हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक मर्तबा बड़ी शिद्दत से ठंडे पानी पीने की जरूरत हुई। आपकी निगाह पड़ी ठंडा पानी पी लो, अपने नफ्स को मुखातब किया पानी ठंडा नहीं पीऊंगा। 7 बरस तक वो ठंडा पानी नहीं पिए। लोग कहते रहे हुजूर पी लो, आप फरमाते हैं नहीं, नफ्स कह रहा है ठंडा पानी नहीं पीऊंगा। आज नफ्स के कहने पर ठंडा पानी पी लो, कल यही नफ्स कुछ और कहेगा, परसों यही नफ्स कुछ और कहेगा, नफ्स का पाबंद हो जाऊंगा। ये नफ्स हमको शरीयत के हुदूद से आगे भी ले जा सकता है, इसलिए नफ्स का पाबंद नहीं बनूंगा। मुसलमानों जरा गौर करो, तो रात की तारीकी में खलवत और जलवत में जहां भी रहे अपने इज्जत और हिफाजत के साथ रहेगा। अगर वो नफ्स पर कंट्रोल कर ले तो आदमी फतह कामरानी उसके कदम का बोसा लेगी। अगर वो नफ्स पर कंट्रोल कर ले तो आदमी माशरा सालिह बन सकता है। अगर नफ्स पर कंट्रोल कर ले तो आदमी सारी दुनिया के लोग मर्द मोमिन के कदम पर कशकोले तमन्ना लेकर के हाजिर होते रहेंगे। अगर वो नफ्स पर कंट्रोल कर ले तो मर्द मोमिन के लिए हर जाइब कामयाबी है, हर चहार जानिब कामयाबी है। आइए नफ्स पर कंट्रोल की बात आ गई तो एक वाकया अर्ज करता चलूं। वाकया आप सुन चुके होंगे, सिर्फ ज़हन फिक्र में बात को डालना चाहता हूं। एक काफिर पहलवान से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुश्ती हो गई। हजरत अली ने उसको कुश्ती में जमीन पर पटक दिया। जैसे जमीन पर हजरत अली ने पटखा और खंजर निकाला कि इसको मार दो, तब तक उस काफिर ने हजरत अली के ऊपर थूक दिया। जैसे थूक का पड़ना था हजरत अली उठ करके खड़े हो गए, उसको आजाद कर दिया। वो ताज्जुब में पड़ गया, उसने कहा अली कहा हां, कहा आपने मुझे जमीन पर पटक दिया और आपके ऊपर मैंने थूक दिया, ऐसी हालत में तो आपको खंजर से मुझे मार डालना चाहिए, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, आप मुझ पर कामयाब हो गए थे। हजरत अली फरमाते हैं सुन, जब मैंने तुझे जमीन पर पहले पटखा था तो मैं तुझे खालिस दुश्मन इस्लाम समझ रहा था और जब खंजर उठाकर मैं तुझे मारना चाहता था तो भी मैं तुझे दुश्मन इस्लाम समझ रहा था, लेकिन जैसे तूने मेरे ऊपर थूका तो मेरे नफ्स का दखल हो गया। अब मैं उस वक्त गुस्सा में आकर के तुझे मार देता तो यह मेरे नफ्स का मामला होता, इसलिए मैं नफ्स के लिए किसी को कत्ल नहीं करूंगा। इतना सुल्ला था। उसने कहा अली हाथ आओ मुझे कलमा पढ़ाओ। हजरत अली ने फौरन उसको कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। जब इस्लाम में लोग दाखला ले रहे थे, जब नफ्स पर हम कंट्रोल कर रहे थे, जब नफ्स पर हमारी पाबंदी थी, जब नफ्स को हम गिरफ्तार किए हुए थे, जब नफ्स को हम अपने फंदे में लिए हुए थे, तो लोग मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में आ रहे थे। आप जरा मुलाहजा फरमाइए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेनफ्सी को, उन्होंने किस तरह से अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं रज़ा नफ्स
से दुश्मन है दम में नाना, और कहा तूने सीखे के चादराने वाले चादराने वाले। अल्लाह अल्लाह, जरा नफ्स की बात आ गई तो आप देखते चलिए प्यारे, जब हमने नफ्स पर कंट्रोल किया है तब कलमा पढ़ने वालों ने पढ़ा है, जब हमने नफ्स पर कंट्रोल किया है तब शरारतों से लोग बाज आए हैं। आज हमारा हाल यह है कि समीमा हाल की तरफ हम सबसे पहले चले जा रहे हैं, शराब की भट्टी की तरफ हम सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, गुनाहों के अड्डों की तरफ हम सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। तब आप शिकायतें किया करते हो कि सुभानी साहब आज दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है, आज दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। दुनिया कब आपके पीछे नहीं पड़ी थी, बहुत पहले से यह दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, कोई नई बात नहीं है। जो दुनिया मुसलमान के पीछे आज पड़ जाए, दुनिया तो मुसलमानों के पीछे कर्बला के मैदान में भी पड़ी है, दुनिया मुसलमानों के पीछे तो जंगे बद्र उहद में भी पड़ी है, दुनिया तो मुसलमानों के पीछे इसी हिंदुस्तान में मैदान तरावरी में भी पड़ी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस दुनिया को किस तरह से ये मर्द मोमिन अपने ठोकर से उड़ाते रहे और अपने ठोकर से दुनिया को भगाते रहे तो आवाज आती रही कि सूरत में सारा तो तमद्दुन में हुलूद, और ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यू तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जब हमने नफ्स को कंट्रोल में रखा था तो हमने इनके घर में इन्हें कलमा पढ़ाया था, जब हमने नफ्स को कंट्रोल में रखा था तो हुस्न की देवी बनकर के आने वालियों ने कलमा पढ़ा है हमारे कदमों पर, जब हमने नफ्स को कंट्रोल में रखा है तो कलमा पढ़ाया हमने मैदान में भी है और बयाबान में भी है, खलबत जलबत में हमने कलमा पढ़ाया है। आओ सुनो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ बात जहने फिक्र में डाल देना चाहता है। लश्कर इस्लामी के दो जवान गिरफ्तार कर लिए गए, ईसाई लश्करियों ने गिरफ्तार करके अपने बादशाह ईसाई को दे दिया। ईसाई बादशाह ने दोनों जवानों को देखा, दोनों इस्लामी जवान, इस्लामी ये जवान दोनों ईसाई बादशाह के सामने पेश किए गए। दुरूद पाक पढ़ो, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه بارك وسلم صلاه وسلام صلى الله تعالى عليه وسلم। दोनों नौजवान पेश किए गए। ईसाई बादशाह ने पूछा, ये दोनों इस्लामी जवान लश्कर से पकड़े गए हैं? जी हाँ, लश्कर इस्लामी के जवान हैं, लश्कर से पकड़े गए हैं, हमारे बहादुरों ने पकड़ करके हमें दिया है इन्हें सजाए। जी हाँ, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه واصحابه بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। इन्हें सजा दी जाए। तेल खौलाया गया, खौलते हुए तेल में एक दूसरे जवान को, मुजाहिद को डाल दिया गया। दूसरा नौजवान देख रहा है खौलते हुए तेल में नौजवान को डाला गया। आज आप अखबार में कहीं पढ़ते हैं कि मजहब इस्लाम के लिए किसी जवान को खोलते हुए तेल में डाला गया? नहीं। आप कहीं अखबार में आज सुनते हैं, रेडियो से कहीं ऐलान किया जाता है कि मजहब इस्लाम की बुनियाद पर उसको करंट लगा लगा करके मारा गया? मामला होता तो यही है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो ऐलान कर दे। आबादियां मुसलमानों की फूलती इसी बुनियाद पर जा रही है कि वो मुसलमान है, इसी बुनियाद पर उनके दुकान जलाए जा रहे हैं कि वो मुसलमान है, इसी बुनियाद पर उन्हें मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है। मगर मजहब इस्लाम का रो वो दाग देखो कि दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि जवान को इसलिए फांसी पर चढ़ाया जा रहा है कि वो मुसलमान है। बेशक, और उस वक्त तो कहा जाता है कि खौलते हुए तेल में इसे इसलिए डाला जा रहा है कि यह मुसलमान है। खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, लाश से गोश्त और चमड़ा लोग देख रहे हैं कि खौलते हुए तेल पर तैर रहा है, हड्डियां अलग हो गई। इस्लामी जवान दूसरा देख रहा है मगर उसकी आंखें पसीजी नहीं। हुक्म हुआ इस जवान को भी डाला जाए, तब तक वजीर ने हाथ को पकड़ लिया। बादशाह, इस जवान के जवानी की भीख में मांगता हूं, आप इस जवान को छोड़ दें। ईसाई बादशाह ने कहा, वजीर तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है ये इस्लामी जवान है, इस्लामी जवान को हमारे बहादुरों ने गिरफ्तार करके हमें दिया है छोड़ने के लिए, नहीं सजा देने के लिए। कहा, ये तो सही है बादशाह, लेकिन अब मैं अभी मैं देख रहा हूं कि इस इस्लामी जवान ने जवानी की लज्जतों को नहीं उठाया है, ये जवानी की बहार में नहीं आया है, अभी ये जवान हो रहा है। अगर इस जवान को हम अपने मजहब में ले आए तो अपने मजहब का बहुत सारा काम इस जवान से चल सकता है, इसलिए बादशाह मैं इस जवान की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं, मेरी बात को आप मान लीजिए। ईसाई बादशाह ने कहा, वजीर
तुम चूंकि इतनी बातें कह रहे हो, चलो मैं मंजूर कर लेता हूं, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, इस्लामी जवान फांसी का फंदा मुस्कुराते हुए चूम लेगा मगर इस्लाम नहीं छोड़ेगा, इस्लामी जवान खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा, इस्लामी जवान की गर्दन तलवार के धार के नीचे हो, उसकी गर्दन को काटे तलवार की धार, दूसरा जवान देख रहा हो, मगर इस्लामी जवान इस्लाम नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि इस्लामी जवान इस्लाम छोड़ देगा और दीन इस्लाम आ जाएगा तो गलत ख्याल है। वैसे तुम्हारी बुनियाद पर तुम्हारी दिलजोई के लिए मैं दे दे रहा हूं, ले जाओ इस्लामी जवान को। वजीर ने कहा यह तो बात सही है बादशाह, मगर हमारे पास एक ऐसा हरबा है कि इस हरबा को हम इस्तेमाल करेंगे, आप चंद दिन में देखेंगे इस्लामी जवान हमारे मजहब का खुतबा पढ़ता दिखाई देगा। वजीर जवान को ले आया अपने घर और अपने घर ला करके एक हुजरे में बंद कर दिया। अपनी लड़की को बुलाया, बेटी कहा है, कहा बेटी तुम्हारे हुस्न को देखने के लिए बड़े बड़े बहादुर बड़े बड़े लश्करी तरसते रहते हैं, इस्लामी जवान मैदान जंग से गिरफ्तार होकर के आया है, बेटी अगर तुम चाहो तो इस इस्लामी जवान को अपने मजहब में ले आओ। लड़की ने कहा ठीक। रात का सन्नाटा आया, हुजरा बंद है, धीमा धीमा चिराग जल रहा है, दरवाजा अचानक खुला, जवान ने सोचा कि दिन भर तो मैं कैद था, रात में हो सकता है कुछ खाने पीने की चीजें मुझे दी जाने वाली हो या मुझे सजा दी जाने वाली हो। जैसे दरवाजा खुला जवान की निगाह उठी तो जवान देखता है न तो खाने पीने की कोई सजा है, न तो दरवाजे पर कोई जल्लाद खड़ा है, बल्कि दरवाजे पर हुस्न की देवी है, दरवाजे पर हुस्न की मलका है। जवान की निगाह झुक गई, जवान अपने निगाहों को बचाते हुए अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हुए फौरन नमाज के लिए नियत बांध लेता है, नमाज पढ़ता रहा। न जवान इधर देखता है न जवान उधर देखता है, रात भर नमाज पढ़ता रहा। यह हुस्न की देवी इधर उधर से अपने हुस्न का करिश्मा पेश करते हुए वापस चली जाती है। उसने पूछा बेटी क्या हुआ, बताया बाप आज रात उसके इबादत की रात थी, आज रात में मैं जरूर हुस्न के जादू से उसे मसखर कर लूंगी, जरूर मैं उसको दीन इस्लाम में ले आऊंगी। जब दूसरे रात वो जाती है, जैसे नौजवान की निगाह फिर पड़ी, नौजवान रोने लगा, अपने रब को याद करने लगा, एक परवरदिगार नफ्स का इम्तिहान मुझसे कब तक लेता रहेगा, मौला मैंने अपनी आंखों से अपने भाई को खोलते हुए तेल में देखा, ध्यान भी तूने लिया, परवरदिगार रात के सन्नाटे में हुस्न की देवी से अय्याशी का माहौल पेश करते हुए मैं अपने नफ्स का इम्तिहान कब तक देता रहूंगा, मौला तू संभाल ले। जवान की निगाहें बंद हो जाती है, जवान फिर अपने हाथ को कानों तक ले जाता है, नमाज के लिए नियत बांध लेता है और नमाज पढ़ रहा है। वो लड़की घूम फिर करके देख रही है, सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहती है मैंने तो सुना था इस्लामी जवान अय्याश होते हैं, इस्लामी जवान जिन्नात हुआ करते हैं, इस्लामी जवान तो हसीनाओं पर ऐसे टूट पड़ा करते हैं जैसे कोई दरिंदा अपने शिकारी पर टूट पड़ा करे, मगर इस जवान को मैं देख रही हूँ कि खलबत में मैं अपने हुस्न की खैरात लुटाने इसके कदमों पर आई हूँ, मगर ये जवान हमारी तरफ देख नहीं रहा है। जब इस जवान के निगाह की सफाई रात की तन्हाई में खलबत में इस तरह है तो मुसलमान नौजवान मैदान में किस तरह साफ रहते होंगे। मैंने मान लिया मजहब इस्लाम हक है, उस लड़की ने कहा नौजवान अम्मत तुम्हें अपने हुस्न के दम में फांसने के लिए नहीं आई हो, बल्कि तुम मजहब इस्लाम में मुझे ले लो, मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करवा लो। मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल करवा लो। फौरन जवान ने कहा ओ हुस्न की देवी तुम पीछे हो जाओ, मैं निगाह ना उठाऊंगा, मैं मुसलमान जवान हूँ, पीछे से कलमा पढ़ाया। मेरे कहने का मतलब है प्यारे, जब हमने नफ्स पर कंट्रोल किया था, अपनी निगाहों को बचाया था, तो हमने खलबत में भी कलमा पढ़ाया है कि नहीं, हमने मैदान में भी कलमा पढ़ाया है कि नहीं, हमने बियाबान में भी कलमा पढ़ाया है कि नहीं। मुसलमान गुनाह के लिए नहीं है, मुसलमान गुनाहों के अड्डों को आग लगाने के लिए है, मुसलमान शराब की भक्ति को फूकने के लिए है, मुसलमान के लिए मुसलमान का रब फरमाता है कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम इसलिए पैदा किए गए हो ताकि लोगों को बुराइयों से रोको और अच्छाइयों का हुक्म दो। आओ जरा देखो, आप नतीजा निकालो, रजा नफ्स दुश्मन है दम में नाना,
आला हजरत अजीम बरकत ने मर्द मोमिन की मुकद्दस जिंदगी दे दी मर्द मोमिन को। मर्द मोमिन अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारे आला हजरत के इसी शेर पर, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चबराने वाले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आपस में बड़ी खुशी मना रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों हंसने का सबब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हम सब लोग मैदान जंग से वापस आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में हम सबको फतह दे दी है, हम कामयाब हो गए हैं मैदान जंग में, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ चल रहे हो, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ चल रहे हो, अभी तुम्हें बड़ा जिहाद करना है। सहाबा चौंक पड़े, या रसूल अल्लाह हम मैदान जंग से वापस आ रहे हैं, तलवारें चली हैं, गर्दनें कटी हैं, जनाजे तड़पे हैं, खाको खून में हमारी लाशें तड़पी हैं, या रसूल अल्लाह इससे भारी भी कोई जंग होने वाली है। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ चल रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे भारी जिहाद और क्या। आका इरशाद फरमाते हैं, अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपने नफ्स को गुनाह से बचाओ, इस जिहाद से वो जिहाद भारी है जिससे तुम लौट रहे हो और तुम्हें फतह कामरानी मिली है। जरा देखो कुरान में रब ने भी फरमाया, हम दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में तलवारें चलाते हैं, हमारी गर्दनें कटती हैं, जिस्म के आजा कटते हैं, घोड़े से रोक दिए जाते हैं। कुरान इस जिहाद को छोटा जिहाद कह रहा है। अपने नफ्स पर हम कंट्रोल रखें, नफ्स को हम गुनाह से बचाएं, कुरान इसको बड़ा जिहाद कह रहा है। मुफस्सिर कुरान से आप पूछो कि यह बात सही है कि गलत। रब ताला ने ऐलान फरमाया, ये छोटा जिहाद है, नफ्स से जिहाद करना बड़ा जिहाद है। मैदान जंग में दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में तलवारें तो एक दिन चलती हैं, दो दिन चलती है, महीना भर जंग होती है, ज्यादा ज्यादा साल, दो साल, चार साल जंग हो, लेकिन नफ्स के साथ तुम्हें जंग मुसलमानों हर हाल में करना है। तुम अल हो जब भी अपने नफ्स से जिहाद करना है, मैदान में हो जब भी नफ्स से जिहाद करना है, मकान दुकान में हो जब भी नफ्स से जिहाद करना है, अपने में हो जब भी नफ्स से जिहाद करना है, पराये में चल रहे हो जब भी नफ्स से जिहाद करना है, बाजार में चल रहे हो जब भी नफ्स से जिहाद करना है, बीवी बच्चों के साथ हो जब भी नफ्स से जिहाद करना है, जहां जहां पर तुम हो तुम्हें अपने नफ्स को हरदम गुनाह से बचाना है, नफ्स से जिहाद करना है, मां की गोद से लेकर के और कब्र तक तुम्हें नफ्स से जिहाद ही जिहाद करना है। इसीलिए आला हजरत अजीम बरकत फरमाते हैं, रजा नफ्स दुश्मन है दम में आना, और कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चंद्राने वाले। अल्लाह अल्लाह, आप जरा नतीजे पर गौर फरमाइए। प्यारे, मैंने ये दावा किया कि जब हम नफ्स पर कंट्रोल करते थे तो इस्लाम बढ़ता था, जब हमारे दिल में खौफ इलाही था तब इस्लाम किस तरह से बढ़ रहा था। मर्द मोमिन बगैर खौफ इलाही के कामयाब नहीं हो सकता, ना यहां कामयाब होगा ना वहां कामयाब होगा। अल्लाह का इरशाद है कुरान पाक में, वल आकबतु लिल मुत्तकीन, और आखरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। आपके इस मदरसा मदीना तालीमुल कुरान की तरफ से यही पैगाम दिया जाता है। यह फाजाने किराम इसीलिए सामने लाए गए हैं कि आपको यही तालीम दे, यही पैगाम दे। वलाकबतो लिल मुत्तकीन, आखरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है, आखरत में अच्छा अंजाम खुदा से खौफ रखने वालों के लिए है, आखरत में अच्छा अंजाम अल्लाह से डरने वालों के लिए है, आखरत में अच्छा अंजाम गुनाहों से बचने वालों के लिए है। वल आकबतो लिल मुत्तकीन, और आखरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। जब परहेजगार के लिए आखरत में अच्छा अंजाम है तो दुनिया में भी उसके लिए अच्छा अंजाम होगा। परहेजगार ना आखरत में जलील होगा, वह परहेजगार दुनिया में जलील होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ बताऊं, परहेजगार कैसे दुनिया में ना जलील होता है ना आखरत में।
आज बातें बहुत चलाई जा रही हैं बगदाद के ताल्लुक से, आप रोज सुनते रहते हैं बगदाद मिट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अरे यार, बगदाद शरीफ न कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना इंशाल्लाह मिटेगा। बगदाद शरीफ में गौसुल आजम का मजार है, बगदाद में इमाम आजम का मजार है, बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का मजार है, बगदाद में हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मजार है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल कौन इमाम है मालूम है? आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चारों इमामों में से किसी इमाम को नहीं मानते, वो कहते हैं हम अहले हदीस हैं। अहले हदीस नहीं, वो अहले हदस हैं। अहले हदीस बन लेंगे ये। बनारस में एक साहब ने कहा हम अहले हदीस हैं, हमने कहा अहले हदीस नहीं हो, झूठा हो। तब तक बहुत जोर से कूद पड़े हो, बस आप झूठ ना कहिएगा हमको कि हम झूठ बोलते। हमने कहा झूठ बोलते हो, लाइसेंसी झूठे हो। तो दो तीन आदमी और थे, कहा मौलवी साहब आप झूठा ही बनाते चले जा रहे हैं, क्या बात है भाई, जबरदस्ती तो आपके तरफ से लग रही है। हमने कहा नहीं, आप लोग अभी जाने नहीं, लाइसेंसी झूठे हैं ये। तब तक वो फिरा और चटके। हमने कहा ये बताइए, आपने आलिम मौलवी कुछ किया है? आप कौन है? मौलवी हैं? आ जनाब, आपको मालूम होना चाहिए मैं आलिम दर्जा फर्स्ट पास हूं, फर्स्ट इलाहाबाद बोर्ड से इम्तिहान में। हमने कहा अच्छा अच्छा, अब तो आप और झूठे हो गए। तब तक फिर चौंक पड़ा वो। उन लोगों ने कहा भाई आप कितने ये कह रहे हैं, मैं इलाहाबाद बोर्ड से आलिम की सनद रखता हूं, आप झूठे बना रहे हैं। हमने कहा इसीलिए तो झूठा बना रहा हूं। इनसे पूछिए कि जब इन्होंने आलिम का इम्तिहान देने के लिए फार्म भरा था, तो आज भी हिंदुस्तान में आलिम मौलवी का इम्तिहान जो उत्तर प्रदेश में बोर्ड से दिया जाता है, उस फार्म पर लिखा रहता है शिया या सुन्नी। गवर्नमेंट के वहां, हिंदुस्तानी सियासी गवर्नमेंट के वहां दो ही मुसलमान हैं, एक शिया मुसलमान, दूसरे सुन्नी मुसलमान। और ये कहते हैं हम अहले हदीस हैं, और इन्होंने इम्तिहान दिया है सुन्नी बनकर कि शिया बनकर, जरा इनसे पूछो। तब तक वो चौंके, कहा साहब फार्म पर तो सुन्नी ही लिखा जाएगा। तो हमने कहा यहां फिर अहले हदीस क्यों कह रहा है, झूठा हुआ कि नहीं? और गैर मुकल्लिदों की माओ ने इतना दूध पिया है तो इसीलिए मैं कभी कभी कह दिया करता हूं। तो ये कहते हैं सुभानी साहब भी बहुत सख्त बोल जाते हैं, नजर की बदमाश औलादो, हुकूमत हिंद से मुतालबा करो, तुम्हारा वक्त बोर्ड अलग हो जाए, तुम्हारा कल तुम्हारी कब्रस्तान अलग हो, तुम्हारी मस्जिदें अलग हो, तुम भी अपना एक फिरका बना लो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पिहामल है, हदीस है, तुम्हारा वक्फ बोर्ड अलग हो, जैसे शियों का वक्फ बोर्ड अलग हो गया है, हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा, हमारा सुन्नी मुसलमान तुमसे धोखा नहीं खाएगा। बात चल रही थी अहले हदीस और इमामों की। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह चारों इमामों में से बड़े अजीम इमाम हैं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल हजरत इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, हजरत इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, हजरत अबू दाऊद के उस्ताद हैं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल का विसाल शरीफ हिजरी 241 में हुआ बगदाद शरीफ की सरजमीन पर, और जब बगदाद शरीफ की सरजमीन पर आपका इंतकाल हुआ तो आपकी नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। मर्द मोमिन को जरा देखो, एक मर्द मोमिन दुनिया से जा रहा है, एक मर्द मोमिन अपने आका के इश्क को लेकर के जा रहा है, तारीख का नक्शा किस तरह से एक मोमिन ने बदला है। 25 लाख मुसलमानों के इज्तमा को जब लोगों ने देखा तो मोर्रखीन लिखते हैं कि असलमा यौम फातिही शुरूना अलफन, 20,000 काफिर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के इंतकाल के दिन इस्लाम ले आए। 20,000 लोगों ने कलमा पढ़ा, एक मर्द मोमिन दुनिया से जा रहा है तो 20,000 को इस्लाम में लाता जा रहा है। मर्द मोमिन की रूह जब निकलती है तो अल्लाह का अर्श झूम जाता है और जमीन पर मातम होने लगता है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, अर्श पर धूम मची कि मोमिन सालेह मिला और फर्श पर मातम उठा
अब ताहिर गया। यही हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल 232 बरस के बाद इनके कबर पर हजरत गौसे आजम गए। कौन गए? हजरत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अहमद इब्न हंबल की कबर पर गए, और जैसे आपकी कबर पर गए तब तक आपकी कबर शक हो गई और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल बाहर निकल आए, हजरत गौस आजम से सीना मिलाया और मुसाफहा मुआनका करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ये अब्दुल कादिर अल्लाह ताला ने तुमको इस वक्त बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, सारे अहले जमीन तुम्हारे मोहताज हैं। अब आप जरा नतीजा निकालिए, अल्लाह का वली अपनी कबर में जिंदा होता है तो क्या माज अल्लाह रसूलुल्लाह मर गए कबर में? अरे नादान, जब इस पार का ये आलम है, इस पार का आलम क्या होगा? जब इनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम तार कालम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है। अल्लाह, एक बात और बता दूं, आप अगर चले गए हजरत मखतूम माहिनी के वहां फातिहा पढ़ने तो कबर पुजवा हो गए, तो गौस पाक को कबर पुजवा कहोगे? सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मजार पर गए हैं, हजरत इमाम शाफई इमाम आजम के मजार पर गए हैं, तो क्या हजरत इमाम शाफई को कबर पुजवा कहोगे? हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मजार पर हजरत गौस आजम गए तो कबर पुजवा कहोगे? हजरत ख्वाजा गरीब नमाज अताए रसूल हजरत दाता अली हिजवेरी के मजार पर गए तो क्या ख्वाजा गरीब नमाज को कबर पुजवा कहोगे? जब आपको कबर पुजवा कहें तो आप इनको कबर खौआ कहो। ये लोग कबर खाए भाई, हमारे पास हवाला है यार। कौवी कौवा तो छोड़ो, उसको तो कह सकते हैं कि परिंदा है, यहां नहीं जाइज तो वहां जाइज, वहां नहीं जाइज तो वहां जाइज, काला नहीं जाइज तो सफेद जाइज, उसमें बड़ी ताबीलें निकल सकती है, मट्टी के बारे में ताबील निकालेंगे। कबर की मट्टी आपने सुना है किसी ने खाया है? वर्ली में मैं बताए दे रहा हूं, कबर की मट्टी इन लोगों ने खा लिया है। नानोता में जूड़ी बुखार फैल गया था। नानोता जानते हो कहां है? जय यार, तब क्या जानते हो, आपको यही पता नहीं नानोता कहां है, सहारनपुर कहां है, रुड़की कहां है, कलियर शरीफ कहां है, झंझाना कहां है, थाना कहां है, गंगोह कहां है, देवबंद कहां है, सब उसी तरफ है, सहारनपुर की तरफ। तो जूड़ी बुखार फैल गया, इनके एक मौलाना साहब का इंतकाल हो गया था, उनको लोग गाढ़ भाट करके आए थे, तो जब जूड़ी बुखार फैला तो गए तो मौलाना साहब की कब्र से मट्टी उठा कर लाए खाए तो जूड़ी बुखार खत्म हो गया, फिर उठा कर लाए खाए फिर खत्म हो गया, तो इतना लोग कब्र की मट्टी उठा कर लाए कि मौलाना साहब की कब्र खुल गई, तो उनके लड़के गए और कब्र पर मट्टी डाला, फिर लोग उठा लाए, फिर कब्र खुल गई, फिर मट्टी डाला, फिर कबर खुल गई, ये जितने मट्टी डाले उतने लोग उठा उठा करके मट्टी खाएं, जूड़ी बुखार खत्म हो जाए। तो अब इनके लड़के जो है मौलाना जी के बहुत आजीज हो गए, तो जाकर कबर पर खड़े होकर कहते हैं कि अब्बा जी सुनो, लोग मट्टी उठा उठा कर ले जाकर खाते हैं, शिफा पाते हैं, आपको करामत सूझी है और हमारे लिए सहमत हो रही है, अब की बार लोग मट्टी लेकर गए खाए और आपकी कबर खुली तो नंगे पड़े रहियो, कबर पर मट्टी नहीं डालूंगा। उसी तारीख से कोई मट्टी उठाकर लाता तो शिफा नहीं पाता। नादान, कबर की मट्टी तू खा रहा है, अगर हम तुझे कहें तू कबर खौआ है तो हम कबर पर चले गए, फातिहा पढ़ दिए तो कबर पुजवा हो गए, ये तो बात जिमनन आ गई थी तो बता दिया। कभी कभी बड़ी झिठाई से जाहिल कह दिया करते हैं, आप बिदाती लोग हैं और आप कौन है जहन्नमी लोग, आपको बिदाती कहें तो फौरन इन्हें जहन्नमी कहो, आपको कबर पुजरा कहें तो इन्हें फौरन कबर खौआ कहो।
मेरा ये मिजाज तो नहीं था मुसलमानों, मगर ना तुम सदमे हमें देते, ना फरियाद हम करते, ना खुलते राजे सरबस्ता, ना रुसवाइयां होती। वल्आक़िबत लिल्मुत्तकीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। जब हमने परहेज को अपनाया था, हमारे दिल में खौफ इलाही था, तब इस्लाम फैला है। जरा देखो, यही बगदाद शरीफ की सरजमीन है। बगदाद शरीफ के एक मोहल्ले में एक यहूदी का घर है, उसी बगल में एक मुसलमान का घर है। मुसलमान के घर पर खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी, मुसलमान बाहर गया था। शाम को जब आया तो बीवी ने खाना लगा दिया दस्तरखान पर। मुसलमान जवान ने पूछा, मेरी बेगम ये तो बताओ ये खाना कैसे तुमने तैयार किया, मेरे घर पर लकड़ी नहीं थी। तो औरत ने कहा, शरीफ औरत थी, कि वो देखिए जो सामने यहूदी का मकान दिखाई दे रहा है और टूटा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है, हवा का झोंका आया था, उसी दरख्त से एक डाल टूट करके हमारे मकान के सहन में गिर पड़ी थी, उसी लकड़ी को मैंने उठा या उसी से खाना तैयार किया। मुसलमान ने पूछा, तुम्हें मालूम है कुछ, लकड़ी भले हमारे मकान के सहन में गिरी मगर है तो यहूदी की, तुमने इजाजत ली थी उससे? कहा, नहीं। कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मजहब इस्लाम में बगैर इजाजत के किसी चीज को इस्तेमाल करना जायज नहीं? और शरीफ थी, उसकी आंखें भीग गई, उसने अपने शौहर के सामने तौबा किया, कहा मैं बगैर पूछे किसी की चीज को इस्तेमाल ना करूंगी, रब की बारगाह में तौबा कर रही हूं। जवान खाना लिया, यहूदी के दरवाजा पर हाजिर हुआ, यहूदी को खटखटाया दरवाजा, बाहर निकला यहूदी। यहूदी ने कहा, क्या बात? कहा, यह खाना लो, आपका इस पर हक है। कहा, यह कैसा खाना है? कहा, आपकी लकड़ी से यह खाना तैयार हुआ, मेरे घर पर लकड़ी नहीं थी, हवा का झोंका आया, आपके दरख्त की लकड़ी टूट करके मेरे मकान के सहन में गिर पड़ी थी, मेरी बीवी ने बगैर पूछे उठा करके बना लिया, उसी से खाना, इस खाने पर आपका हक है। हमारे मजहब इस्लाम में किसी की चीज को बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तब तक वो यहूदी मुसलमान का चेहरा देखता रहा, उसने कहा, मुसलमान भाई जमीन पर खाना रखो, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। मैंने जान लिया मजहब इस्लाम हक मजहब है, मजहब इस्लाम सही मजहब है, मजहब इस्लाम सदाकत का नाम है, मजहब इस्लाम हक्कानियत का नाम है, मजहब इस्लाम पाकीज़ा माहौल का नाम है। हमने मान लिया कि मजहब इस्लाम के मानने वाले जब पड़ोस की लकड़ी को बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो पड़ोस में लड़की की हिफाजत किस तरह से करें, उनके नामूस की हिफाजत कैसे करेंगे। हमने मान लिया मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, कलमा पढ़ करके वो इस्लाम में दाखिल हो गया। आप जरा देखें, जब हमने नफ्स पर कंट्रोल किया था, हम गुनाहों से बचे थे, तो इस्लाम फैल रहा था। वल्आक़िबत लिल्मुत्तकीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। मुसलमानों परहेजगार बनो, आज भी परहेजगार बन जाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजे रहमत खुला हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा हज के आखिरी मौके पर अरफात के मैदान में दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, आज मैं तुमसे चंद बातों की जमानत ले रहा हूं और तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूं। तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बातें हैं जिसकी जमानत आप हमसे ले रहे हैं? आका ने फरमाया, हम तुमसे ये जमानत ले रहे हैं कि हमारे साथ तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, तुम नमाज ना छोड़ना, तुम झूठ ना बोलना, तुम माँ बाप को न सताना, तुम अपनी औरतों को हुस्ने सुलूक से पेश आना, मैं तुम्हें खुदा से डराता हूं, और औलादों को कत्ल न करना, और सुनो तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपने जबान को फहश गोई से बचाना, इन बातों की जमानत तुम हमें दे दो, जन्नत की जमानत हम तुम्हें दे रहे हैं। अल्लाह का था, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बातें हैं जिसकी जमानत आप हमसे ले रहे हैं? आका ने फरमाया, हम तुमसे ये जमानत ले रहे हैं कि हमारे बाद तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, तुम नमाज ना छोड़ना, तुम झूठ ना बोलना, तुम माँ बाप को ना सताना, तुम अपनी औरतों को हुस्ने सुलूक से पेश आना, मैं तुम्हें खुदा से डराता हूं, और औलादों को कत्ल ना करना, और सुनो तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपने जबान को फहश गोई से बचाना, इन बातों की जमानत तुम हमें दे दो, जन्नत की जमानत हम तुम्हें दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने ये अहदो पामान सहाबा से लिया। हाँ, तो आप लोग, मैं उसमें चले रुमाल लेकर के, देखिए ये मेरे पास एक पर्ची आई है, ये आपका मदरसा मदीना
तालीम कुरान, दारुल उलूम मदीना तालीम कुरान ये इदारा है। यहाँ के खुश अकीदा मुसलमानों के ताउन से ये इदारा चलता है, इसके अखराजात हैं, लिहाजा चंद लोग रुमाल लेकर के आपके दरमियान में पहुंच रहे हैं। यार 10-20 मिनट पहले इसके लिए चलना चाहिए ना, मैंने कह दिया था मौलाना को कि पहले से मुतय्यन कर दीजिएगा, रुमाल लेकर के इन लोगों के दरमियान जाए। खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान का थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत हो जाता है प्यारे। दारुल उलूम मदीना तालीम कुरान के लिए आप मदद कर दो इंशाअल्लाह ताला, इन मोमिनीन के सामने, इन उलमा के सामने आपका ये मदद करना काम आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी जो हैसियत हो, ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो हम एक ही रुपया दें और 100 रुपए के लायक है, खुदा देख रहा है, रब देख रहा है। हर आदमी अपने जेब में हाथ डाले और अपने हसब हैसियत दारुल उलूम मदीना तालीम कुरान का ताउन कर दे। मैं आखिरी बात अर्ज करता चल रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। तुम्हारे लाउड स्पीकर से मैं तेज बोलता हूँ, तब ठीक है, रहने दो। यही मैंने कहा था मौलाना कह रहे थे 1 बजे तक जलता चलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वाला अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी अपना हाथ बढ़ा दें। सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहद तमाम लिया। आका रब की बारगाह में हम गुनहगारों और पापियों के लिए दुआ मांगते हैं और अर्ज करते हैं, या परवरदिगार ये तेरे नेक बंदे तेरे लिए हैं और तेरे बुरे बंदे मेरे लिए हैं। मौला नेकों को तू ले ले, बुरों को हमें दे दे। सलाह उस पर की जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। ऐसे रसूल पर जो कुरान नाजिल हुआ है, उस कुरान रब का फरमान है वल आकिबत लिलमुत्तकीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। इसलिए परहेजगार बनो, शराब हाथ को न लगाओ, झूठ का लफ्ज जबान पर ना आने दो, नमाज ना छूट ले पाए मुसलमानों, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो ताकि दुनिया देखे तो कहे ये मुसलमान हैं, जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। यह अंदाज आप रखें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके लिए रहेगी। और मदरसे से मोहब्बत रखें, यही दीनी मदरसे, ये दीनी इदारे जहां कुरान पढ़ाया जा रहा हो, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिंदगी का सबक दिया जा रहा हो, प्यारे यही जगह तो जगह है, वही जगह तो जिंदगी बनाने वाली है। इन्हीं इदारों का मामला है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने उत्तर प्रदेश मुबारकपुर में एक दारुल उलूम कायम किया जिसके ये सारे शगुफ्ता फूल हैं। इस वक्त बर्रे सगीर में जितने उलमाए अहले सुन्नत पाए जा रहे हैं, बिलवास्ता बिलावास्ता सब हाफिज़े मिल्लत के शागिर्द हैं। हजरत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब कुल अज़ीज़ी मद्दा ज़िल्हुल अली, हमने पहले भी कहा कि हमारे अकाबिर उलमा में से हैं। हमारे ताल्लुक से हजरत ने कहा कोई बात सुनने में आई हो, जो चल रहा है आलिम कोई इख्तलाफ का मामला, वो किसी ने गलत उड़ा पड़ा दिया था, उसमें मैं नहीं हूं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और मैं इससे बहुत एहतियात रखता हूं, आप हजरात भी सुने। इसलिए मेरा जहां तक ख्याल है, तहदीस नेमत के तौर पर मैं अर्ज करता हूं कि 84 टॉपिक पर मेरी कैसेटें चल रही हैं, 54 उनवान पर तो मैंने फिहरिस्त को देखा है अपने तकरीरों की, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैसेट में किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलमी दीन या बुजुर्ग के ताल्लुक से कोई ताल्लु या तंज का जुमला नहीं आएगा माज़ल्लाह। वो आदमी बड़ा महरूम किस्मत होता है, खताए बुजुर्गों गिरफ्तन खतास्त, बुजुर्गों की गलती पकड़ना भी गलती है। अल्लाह ताला हमें और आपको बुजुर्गों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आलमों की कदर दिलों में बैठाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो मल्लम यक्ती कबीरना वो मल्लम इरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो हमने से बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हमने से नहीं है। रसूलुल्लाह का पैगाम तो ये है कि बड़ों की इज्जत करो और छोटों पर शफ़क़त करो। खुदा की कसम रसूलुल्लाह की इसी हदीस पर मेरा एक मुकम्मल बयान है, सरकार ने जिंदगी का सारा वसूल जमा फरमा दिया है,
अगर छोटा बड़े की इज्जत करे तो क्या बड़ा छोटे को मारेगा, और क्या छोटा छोटे पर बड़ा शफकत करे तो क्या छोटा बड़े से भागेगा। अगर छोटा मोहल्ला बड़े मोहल्ले पर शफकत करे और छोटे मोहल्ले वाले बड़े मोहल्ले वालों की इज्जत करें तो मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई होगी। अगर छोटा मुल्क बड़े मुल्क का एहतराम करे और बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पर शफकत करे तो क्या लड़ाई होगी। अगर भारी फौज वाले छोटे फौजियों पर शफकत करें और छोटे फौजी भारी फौजियों की इज्जत करें तो क्या लड़ाई होगी। प्यारे सरकार ने कितना अच्छा वसूल अता फरमा दिया है। ये मजहब इस्लाम का वसूल है जो लोग कहा करते हैं कि मजहब इस्लाम से हमको खतरा है, मजहब इस्लाम से किसी को खतरा नहीं है। मजहब इस्लाम सारे लोगों के लिए अमन अमान का पैगाम है और सलामती का पैगाम है। इसलिए गलत इल्जाम लोग लगाया करते हैं मजहब इस्लाम सबके लिए सलामती लेकर के आया है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। उमा बलाना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम।